हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईईओ वर्कबुक सॉल्यूशंस ऑफ क्लास सेवेंथ सेकंड टॉपिक दैट इज एंटोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स द वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर आर एंटोनिम्स शुरू करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फर्स्ट वर्ड आता है एक्विट एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना मीन्स किसी को आ, किसी कोई इल्ज़ाम लगाए उससे उसे बरी कर दो इज लाइक एक्विट फ्रीडम इसको अपोजिट ढूंढो आप फॉरगेव माफ़ कर देना कंजेम माने होता है अपराधी ठहरा देना सो इक्विजिट इक्विजिट माने होता है बरी कर देना और कंडेम माने होता है अपराधी ठहरा देना बिल्कुल सही इसका ऑपोजिट है सी ऑप्शन एजुक्एट होता है पर्याप्त मात्रा इनफ मात्रा आई हैव एजुक्ट अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक और इसका ऑपोजिट जाता है इनएप्ट माने जो बिल्कुल भी कम हो लाइक like, अनवर्दी अयोग्य सो so, एडिकुट का ऑपोजिट है बी इन एंसेस्टर होता है थर्ड वन पूर्वज यानी कि माने कि जो आपके दादा परदादा हैं दैट आर योर एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट होना है आपके बच्चों के बच्चे सो पूर्वज यानी कि पुरानी जनरेशन और डिसेंडेंट माने आगे आने वाली जनरेशन सो सी थर्ड का ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑथेंटिक होता है कोई भी जेन्युन गिव मी ऑथेंटिक रीजन फॉर दिस कोई भी जेन्युन रीजन देना इसका करेक्ट ऑप्शन है अनरियल रियल मीन्स कोई जैन्यन रीजन और अनरियल माने बिल्कुल भी वास्तविक ना हो ठीक so, है सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर फिफ्थ है कॉमिकल कॉमिकल माने बहुत हंसी मजाक वाला वाइल्ड इट्स एनचोन इज सीरियस सी इज द करेक्ट ऑप्शन सिक्स्थ में आते हैं डिफेंसिव डिफेंसिव माने बचाव करना ठीक है किसी चीज़ से डिफेंसिव होना और इसका ऑपोजिट है अनवेरी अनवेरी मैंने असावधान होना मतलब ऑपोजिट ऑफ डिफेंसिव इज बी दैट इज़ अनवेरी डिस्ट्रॉट डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल होना ठीक है इसका ऑपोजिट है क्रेजी तो मेन डिस्ट्रॉट ही होता है डिस्ट्रेट नहीं कंपोज नहीं फ्रेंटिक दैट इज लाइक पागल हो जाना किसी चीज़ के लिए ओके एर्थ है इफ़ेक्टिव इफेक्टिव माने असरदार समथिंग दैट इज इफेक्टिव दिस द पीस ऑफ एडवाइस इज इफेक्टिव फॉर हिम इसका अपोजिट होता है जो चीज़ इफेक्टिव ना हो लाइक इनकैपेबल देर इज़ ही इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स वो बिल्कुल असमर्थ है मेरी बातों को समझने में नहीं सो एट का डी इज द एंटोनियम नाइन्थ है एग्जामिन करना यानी कि ध्यान से देखना ठीक है वाइल बी जो है उसका मतलब होता है ओवर लुक ओवर लुक का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान ना देना एनालाइज माने जांच परख करना प्रोब माने जांच करना इंस्पेक्ट माने भी जांच करना और ओवर लुक बिल्कुल अपोजिट हो गया यानी कि आप ध्यान ना दो किसी पे। द टीचर ओवर लुकड माई मिस्टेक यानी कि ध्यान ना देना और एग्जामिन माने ध्यान देना तो अपोजिट है बी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्यूरियस होता है बड़ा ही गुस्से वाला ए होता है काम काम माने बिल्कुल शांत तो फ्यूरस माने एंग्री काम माने शांत तो ऑपोजिट मिल गया है हमें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन वाल क्रेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना वो यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है थर्ड एलेवेंथ पे आते हैं गैलेंट गैलेंट का मीनिंग होता है ब्रेव बहादुर और इसका ऑपोजिट है कोवर्ड यानी कि बिल्कुल ही डरपो टाइमिस ट्वेल्थ पे चलते हैं जेनरस जेनरस का मतलब होता है लिबरल माइजरली ए इज़ माइजरली लाइक ग्रीडी जेनरस का बिल्कुल अपोजिट है माइजर माइजरली नोबल माने होता है महान लेविश माने होता है खर्चीला लिबरल माने भी जेनरस होता है और जेनरस माने लिबरल होता है माइजरली इज लाइक ग्रीडी बिल्कुल अपोजिट है थर्टीन है जेनुन माने असली बिल्कुल दीज आर जेनुन दिस इज़ अ जेनुइन करेंसी बिल्कुल लाइक रियल एंड इसको अपोजिट है फेक नकली बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फोर्टीन द इम्पीड स्टॉप करना बाधा डालना रोकना प्रिवेंट करना इम्पीड ठीक है और इसका अपोजिट है डिटर माने भी रोकने होता है सिनोनेम है एडवांस एडवांस मतलब होता है जैसे इसका मतलब एमपीड का मतलब रोकना एडवांस का मतलब होता है आगे चलना सो डी इज द एंट्रोनेम फिफ्टींथ है इन्फीरियर इन्फीरियर होती किसी चीज़ की लो क्वालिटी और इसकी तो आपको पता ही होगा सबको सुपीरियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन गुड क्वालिटी नॉलेज माने ज्ञान और इग्नोरेंस माने अज्ञान सो नॉलेज का बी इज द करेक्ट ऑप्शन सेवेंटीन है लिथल लिथल माने घातक दैट इज लाइक नॉट गुड इसके ऑप्शन है ए फैटल फैटल माने डेडली बी मॉर्टल मतलब फिजिकल डी हार्टफुल अपसेटिंग सी हेल्दी हेल्दी बिल्कुल सही जा रहा है लिथल हेल्दी एटीन पर चलते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर माने किसी चीज़ में नमी होना वेटनेस माने भी गीला होना डैम्पनेस माने भी गीला होना dryness कहाँ गीला कहाँ ड्राई ऑपोजिट है भाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन Privilege प्रवलेज नाइनटीन privilege माने हक होना किसी चीज़ का हक कोई आपके पास कोई जिसके ऊपर आप हक दा सकते हो आपके पास एक हक है अपॉर्चुनिटी बेनिफिट फ्रीडम ये तो इनके सिनोनिम्स ही हो गए डिसएडवांटेज माने किसी चीज़ की हानि होना डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्विट माने छोड़ देना और रिमेन माने वही रहना सो इट्स एंटोनिम इज ए पार्ट नेक्स्ट पे चलते हैं ट्वेंटी वन रेंट एंड ऑप्शन आर रेंट माने होता है शेखी दिखाना ओहो रेंट बिलो माने होता है रोना काम माने होता है शांत होना शेखी दिखाना इज ओवर एक्टिंग करना काम माने शांत सो इज करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट ट्वेंटी जो है रिकॉल मतलब कुछ याद करना इज लाइक रिकॉल और ए है फॉरगॉट माने भूल जाना सो इट्स एंटोनियम इज द ए पार्ट ट्वेंटी थर्ड है रिजिट यानी कि कठोर लीनियंट लीनियन माने दयालु हैज सेव्ड मी फ्रॉम द पनिशमेंट लीनियंट ट्वेंटी फोर्थ थॉटफुल मीन्स अटेंटिव मीन माने, 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 द्या, uh, so माने मतलब ही अपने अपने काम से ध्यान देने वाला ट्वेंटी फिफ्थ है टेम्पर टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज को डैमेज कर देना इसका ऑपोजिट हमें साफ साफ दिख रहा है डैमेज कर देना और मेंड कर देना इज लाइक रिपेयर कर देना डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ब्राइब का मतलब पता है आपको सी क्या होता है ब्राइब मतलब घूस देना रिश्वत देना सो ट्वेंटी फिफ्थ का डी इज द करेक्ट ऑप्शन स्प्रेड माने होता है फैलाना और इसका ऑपोजिट है सी यानी कि कलेक्ट करना ट्वेंटी सेवन्थ है थैंकफुल मींस आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो बहुत ही आभार आप है आपके अंदर थैंकफुल का सिनोनिम होता है ग्रेटफुल आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो तो ग्रेटफुल भी होते हैं और उसका अपोजिट है अनग्रेटफुल यानी कि बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं होना सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ट्रस्ट होता है किसी पे विश्वास करना डाउट होता है किसी पे शक करना सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी नाइन्थ में होता है यूनिक चीज़ कुछ भी अनमोल कुछ खास और कॉमन होती है आम चीज़ थर्टीएथ है वरिड होना चिंतित होना ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन अनट्रबल मीन्स नॉट वरिड एंटोनियम्स के अचीवर सेक्शन पे चलते हैं फ्रिजमेंट लाइक like मन गणत कहानियां बनाना फेबल माने भी काल्पनिक होता है माने भी सपने देखना शेख चिल्ली वाले फैक्ट होता है कुछ भी सॉलिड लाइक थिंग दैट इज प्रूफ कुछ भी प्रूफ हुई हुई चीज सो so, फ्रिजमेंट का मीनिंग होता है मन गणत फैक्ट माने समथिंग प्रूफ इल्यूजन माने होता है भ्रम भ्रम होनाट माने होता है तीखा एमिएबल माने होता है चार्मिंग पंजन माने होता है कटु सो एमिएबल इज द ऑपोजिट ऑफ एक्रेड दैट इज एक्रेड माने होता है तीखा एमिएबल माने होता है चार्मिंग पेट्रो माने होता है व्याकुल होना ठीक है एनाए माने परेशान होना अपसेट माने भी परेशान हो एश्योर माने आश्वासन देना व्याकुल होना कि कोई व्याकुल हो रहा है और यहाँ पे एश्योर कर रहे हो आप आश्वासन दे रहे हो और ये जो है इसका मतलब होता है फिर भी गुस्सा ही होना थर्टी फिफ्थ है रैथ रैथ माने होता है क्रोध करना एंग्री होना वाइल ग्ली का मतलब होता है खुश होना तो रैथ का ऑपोजिट है बी ग्ली करना रिटॉट माने होता है आंसर रिस्पॉन्ड इंसल्ट और इसका ऑपोजिट होता है रिक्वेस्ट करना सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्टी फिफ्थ ओ एम आर की भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा अगर आपके पास वर्कबुक है तब भी ये वीडियो आपके लिए फेवरेबल है अगर आपके किसी दोस्तों के पास वर्कबुक नहीं है और उन्हें आई की तैयारी करनी है तो मेरी वीडियोस उन तक जरूर पहुंचाइए। एज आई एम हेल्पिंग यू यू मस्ट हेल्प योर आई participants. All पार्टिसिपेंट्स ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सॉल्व करेंगे एनालॉगीज एंड स्पेलिंग्स बाय बाय